जमशेदपुर के परसुड़ी में गंदगी और सफाई को लेकर मेराकी संस्था की टीम जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। बताते चलें कि मेराकी संस्था के सचिव रीता पात्रो ने कहा कि परसुड़ी क्षेत्र के कई जगहों पर गंदगियों का अंबार लगा है, जिससे बीमारियों का डर बना रहता है। इसलिए आज जिला परिषद के उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह से मुलाकात की गई है और साफ सफाई करवाने का उनसे आग्रह किया गया है। नमस्ते, हमारी संस्था मेरा की पिछले कुछ दिनों से परसुड़ी क्षेत्र एवं जमशेदपुर के अलग अलग अन्य क्षेत्रों की सफाई के ऊपर गहन चिंतन कर रही है, क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो अभियान चलाया जा रहा है राष्ट्रव्यापी, उसी को मद्देनजर देखते हुए इस क्षेत्र में काफी गंदगी, नाली की निकासी नहीं होना, काफी जगह पे गंदगी का अंबार ढेर पड़ा हुआ है। इस मुद्दे को हम लोगों ने जिला परिषद के उपाध्यक्ष श्री राजकुमार सिंह जी के कार्यालय पे आके उनको ज्ञापन सौंपा और इस पूरे प्रकरण पर गहन चिंतन करने, उनको हमारा सहयोग करने या उनके साथ जुड़कर हम लोग इस चीज को काम कैसे करेंगे, स्थानीय प्रशासन, प्रखंड कार्यालय, जिला कार्यालय, यूसीआईएल कंपनी, टिस्को और आदि तमाम मैनेजमेंट को लेकर इस विशेष पूरे मुद्दे पर चिंतन करने की जरूरत है, क्योंकि हमारी संस्था ये सोच रख रही है आने वाले 2 वर्ष के बाद ये काफी ही दयनीय परिस्थिति होगी। पूरे रोड रास्ते लोगों को तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ेगा और जो भी हमारे नेशनल लेवल का ये मुद्दा है राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन, वो धरा का धरा रह जाएगा, जिसकी पहल हमारी संस्था कर रही है। और आज हम लोग नगर निगम के बाद इनके कार्यालय आकर इनको सहयोग की हम लोगों ने अपेक्षा रखा, इस हेतु हम लोग आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं।